और वहीं लखनऊ पूर्व से जहां सपा के अनुराग भदौरिया ने नामांकन किया है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री आशुतोष ने भी लखनऊ पूर्व से नामांकन दाखिल किया। हमारे संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की। लखनऊ पूर्वी सीट से भाजपा के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। कल ही नाम का ऐलान हुआ और आज नामांकन भी हो गया। मंत्री जी, नामांकन तो हो गया, अब आगे की जो लड़ाई है उसके लिए कितने तैयार? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल में जो सरकार के गौरवशाली कार्य हुए वो लेके जनता के सामने जा रही है। जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम 300 से ज्यादा सीटें लाके उत्तर प्रदेश में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी प्रतिद्वंदियों का नाम सामने है, किसे चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। विशेष रूप से लखनऊ में अगर मैं कहूं, 9 सीटों में चुनाव हो रहा, 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये तेवाई साथ आशुतोष टंडन जिन्होंने आज अपना नामांकन कर लिया और उनका साफ कहना है कि पिछली बार तो 9 में से 8 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और वो किसी को भी अपने सामने चुनौती नहीं मानते। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।